आज मैं जो कहानी लेकर आई हूँ वो है एक फेमस इटालियन मूवी डोंट मूव। एक सर्जन टिमोटियो किस तरह से एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंसकर कैसी कैसी परेशानियों को झेलता है इस मूवी में यही दिखाया गया है। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि टिमोटियो नाम का एक सर्जन ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट का सर्जरी कर रहा है। तभी एक नर्स भागती हुई आती है और डॉक्टर टिमोटियो से कहती है कि डॉक्टर की बेटी एंजेला का एक्सीडेंट हुआ है और सीरियस कंडीशन में यहाँ लाया गया है। ये सुनकर टिमोटियो को बड़ा झटका लगता है। एंजेला को सर पर चोट लगती है, उसका ऑपरेशन इमीडिएटली करना होगा, लेकिन टिमोटियो के पास इतना हिम्मत नहीं है कि वो एंजेला का ऑपरेशन कर सके। इसलिए टिमोटियो अपने साथी डॉक्टर को ऑपरेशन की जिम्मेदारी देकर खुद खिड़की के पास खड़ा होकर टेंशन में बाहर देखने लगता है। तभी बाहर कुछ दूरी पर एक लेडी को अकेली बैठी देखता है। वो लेडी रेड कलर की हील पहनी हुई है। ये देखकर टिमोटियो हैरान हो जाता है और कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। बहुत पहले की बात है, एक दिन डॉक्टर टिमोटियो कार से हॉस्पिटल जा रहा था, अचानक एक जगह पर कार खराब हो गई। बहुत ट्राई करने के बाद जब कार स्टार्ट नहीं हुई तब टिमोटियो पास के एक बार में जाता है। वहां पर इटेलिया नाम की एक लड़की के साथ उसका जान पहचान होता है। इटेलिया बोलती है कि आप मेरे साथ चलिए, मैं एक मैकेनिक को जानती हूँ। दोनों मैकेनिक के पास जाते हैं लेकिन गैरेज में मैकेनिक नहीं होता है। तब इटेलिया बोलती है कि जब तक मैकेनिक नहीं आता आप मेरे घर में आराम कर सकते हैं। टिमोटियो को अपने घर में फोन भी करना था, इसलिए टिमोटियो इटालिया के घर चला जाता है। इटालिया के घर पहुंचकर टिमोटियो अपनी पत्नी एल्सा को फोन लगाता है लेकिन वहां से कोई रेस्पॉन्स नहीं आता है। उसके बाद टिमोटियो दोबारा उसी बार में जाता है और बियर पीने लगता है। गर्मी ज्यादा होने की वजह से टिमोटियो को नशा हो जाता है। नशे की हालत में टिमोटियो दोबारा इटालिया के घर जाता है और इटालिया को देखकर उसे कुछ होने लगता है। उसका नियत बिगड़ जाता है और वो इटालिया को हक करने लगता है। इटालिया खुद को टिमोटियो से बचाने की कोशिश करती है लेकिन इटालिया हार जाती है। टिमोटियो बड़ी ही बेरहमी से इटालिया की रेप कर देता है। नेक्स्ट सीक्वेंस में टिमोटियो अपने पत्नी एल्सा के साथ बैठा बातें करते हैं। हर दो हफ्ते में एक बार टिमोटियो एल्सा से मिलने जाता है। अगले दिन टिमोटियो जाकर इटालिया से मिलता है और उसके हरकतों के लिए माफी मांगता है, लेकिन इटालिया को उस हरकत के लिए बिल्कुल बुरा नहीं लगता है, बल्कि वो भी अब टिमोटियो के साथ इंटीमेट होना चाहती है। जब भी मौका मिलता था टिमोटियो भागता हुआ इटालिया के पास पहुंच जाता था और दोनों इंटीमेट होते थे। अब टिमोटियो की दिलो दिमाग में सिर्फ इटालिया ही छाई रहती थी, काम में उसका मन नहीं लगता था। एक्चुअली इटालिया के साथ टिमोटियो अपना फिजिकल नीड पूरा कर रहा था, लेकिन इटालिया को लग रहा था कि टिमोटियो उससे प्यार करता है। ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन जब टिमोटियो को पता चला कि इटालिया प्रेग्नेंट है तब उसका होश ठिकाने आया, लेकिन कहीं ना कहीं टिमोटियो भी इटालिया से प्यार करने लगा था। इसलिए टिमोटियो ने मन ही मन फैसला किया कि अब से वो इटालिया के साथ ही रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम तब खड़ा होता है जब उसे पता चलता है कि एल्सा भी प्रेग्नेंट है। अब टिमोटियो का हालत दो नाव में एक साथ सवार होने जैसी हो गई थी। अचानक टिमोटियो इटालिया से मिलने बंद कर देता है। इस वजह से इटालिया को बहुत दुख होता है। वो टिमोटियो से मिलकर ना मिलने का वजह पूछती है, लेकिन टिमोटियो उसे कुछ भी नहीं बताता है। इटालिया का दिल टूट जाता है। कुछ दिनों के बाद टिमोटियो को पछतावा होता है। वो इटालिया से मिलने जाता है। इटालिया की दिमागी हालत कुछ अजीब सा होता है। वो टिमोटियो से कहती है कि उसने अपना एबॉर्शन करवा लिया है। ये सुनकर टिमोटियो चौंक जाता है। टिमोटियो इटालिया को समझाने की कोशिश करता है पर इटालिया कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। टिमोटियो वहां से चला जाता है। कुछ महीने बीत जाते हैं। अब एल्सा माँ बनने वाली है। एल्सा को लेकर टिमोटियो शॉपिंग करने जाता है, तभी दूसरी तरफ टिमोटियो को इटालिया दिखती है। टिमोटियो डर जाता है कि कहीं इटालिया एल्सा को सारी बातें बता ना दे। वो काम का बहाना बनाकर एल्सा को घर भेज देता है और जाकर इटालिया से मिलता है।
टिमोटियो फिर से इटेलिया से माफ़ी मांगता है। इटेलिया टिमोटियो को माफ़ कर देती है। उसके बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए जाते हैं। इटेलिया बातों बातों में बताती है कि वो अपने घर जा रही है। ये सुनकर टिमोटियो को बहुत झटका लगता है। असल में टिमोटियो को भी इटेलिया से सच्चा प्यार हो गया था। कुछ दिनों बाद एल्सा ने एक लड़की को जन्म दिया जिसका नाम उसने एंजेला रखा। लेकिन अब भी टिमोटियो इटेलिया के ख्याल में ही खोया हुआ था। टिमोटियो जाकर इटेलिया से मिलता है। इटेलिया घर जाने के लिए तैयार थी। टिमोटियो उसे घर छोड़ने जाता है। रास्ते में ये लोग लंच के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। बातों बातों में टिमोटियो का फीलिंग्स और भी बढ़ने लगता है। टिमोटियो उसी वक्त डिसीजन लेता है कि वो एल्सा को डिवोर्स देगा और इटेलिया से शादी करेगा। इटेलिया उसे बहुत समझाती है पर वो नहीं मानता है। रात को ये दोनों एक होटल में रुकते हैं। अचानक इटेलिया के पेट में दर्द होने लगता है। टिमोटियो उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल में उसे बताया जाता है कि इटेलिया का एबॉर्शन जहां किया गया था ठीक से नहीं किया था, इसलिए उसके पेट में बहुत ज्यादा इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है। इटेलिया की हालत बहुत खराब है। इसी वजह से टिमोटियो खुद इटेलिया का ऑपरेशन करता है पर उसे बचा नहीं पाता है और फिर इटेलिया की डेथ हो जाती है। टिमोटियो अपने आप को इटेलिया की डेथ के जिम्मेदार मान रहा था क्योंकि इन सब की वजह वही है। अगर वो इटेलिया को अपना लेता तो इटेलिया कभी एवोशन नहीं करती। इटेलिया के अंतिम संस्कार होने के बाद टिमोटियो को इटेलिया की एक रेड हिल मिलती है। टिमोटियो उस हिल को लेकर शमशान जाता है ताकि उसे इटेलिया के कॉफिन में दे सके, लेकिन शमशान वाले उस हिल को लेने से मना कर देते हैं क्योंकि अब तक कॉफिन बंद हो चुका है। टिमोटियो बड़े ही दुखी मन से उस रेड हिल को देखता है। यहीं पर फ्लैशबैक खत्म होता है और कहानी प्रेजेंट टाइम में वापस आता है। टिमोटियो उस रेड हिल को देख रहा है जिसे गार्डन में बैठी लेडी ने पहन रखी है। तभी अंदर से नर्स आकर कहती है कि एंजेला का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। अब एंजेला आउट ऑफ डेंजर है। ये सुनकर टिमोटियो के चेहरे पर खुशी दिखाई पड़ी। उसने चैन की सांस ली। आखिर में इटेलिया की याद में टिमोटियो ने उस रेड हिल को हॉस्पिटल के कंपाउंड में रख दिया। यहीं पर यह कहानी खत्म होती है। गुड बाय एंड स्टे सेफ।